जांजगीर मालगाड़ी से टकरा गई तेज रफ्तार कार। तो खबर है जांजगीर से, जहां पर की मालगाड़ी से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई है। कार में सवार महिला बच्चे सहित 8 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और जिन लोगों की हालत गंभीर है उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गांव मुरली डीही रेलवे फाटक की एक घटना बताई जा रही है। तो जांजगीर से खबर है जहां पर की एक कार मालगाड़ी से जा टकराई। गांव मुलजीही रेलवे के पास की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयंकर था। कार के तकरीबन परखज्जे उड़ गए हैं। इस कार में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। इस कार में सवार महिला और बच्चों समेत 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जाता है कि घायलों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। गांव मुरली डीही रेलवे फाटक की एक घटना बताई जाती है। तो इस हादसे का अंदाजा आप लगा सकते हैं तस्वीरें देखकर। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। जांजगीर मालगाड़ी से एक कार टकरा गई है। बताया जाता है कि फाटक पर यह घटना हुई है। कार में सवार महिला बच्चे सहित 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घायलों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो कार जो कि टकराई है मालगाड़ी से। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कार काफी बुरी तरीके से डैमेज हुई है और अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना गंभीर रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर। 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। मनोज यादव है हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरीके से ये घटना हुई है क्या वजह ही रही कि इस तरीके का हादसा हुआ? जी आरती, बताना चाहूंगा कि ये जांजगीर से अकलतरा जाने वाली जो ट्रैक है वहां पर ये संपर फाटक है। संपर फाटक में अब वहां से एक इंडस्ट्री है लफार, जो वहां के लिए वो रेल लाइन बिछाई गई है। अचानक आज दोपहर में इको स्पोर्ट कार से फैमिली के साथ बिलासपुर की ओर जा रही थी कि वो कार ड्राइवर देख नहीं पाया उस ट्रेन को, क्योंकि उसमें संपर्क फाटक नहीं लगा गया है, खुले में है, इसीलिए जाके वो टकराया गया। और इसमें महिला सहित बच्चे भी थे और ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें से कुछ को प्राथमिक के लिए अकलतरा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया, कुछ को बिलासपुर रिफर किया गया है। जी आरती, फिलहाल घायलों की स्थिति के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि 2 लोगों को बताया जाता है कि गंभीर रूप से घायल है। जी आरती, अभी तो स्थिति नॉर्मल है क्योंकि उतनी गंभीर नहीं लग रही थी। मौके पे जो टीआई थे उनसे भी हमने बात की तो उनका कहना यही है कि हल्का सा पैर वैर में डैमेज आया है और बाकी की स्थिति अभी नॉर्मल है। जी मनोज यादव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके का यह हादसा है, कह सकते हैं कि कोई करिश्मा ही है कि एक गाड़ी, एक मालगाड़ी से टकराई है एक कार, और फिर भी लोगों को जो चोटें आई हैं उनमें बताया जाता है कि 2 लोग जरूर गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन कुछ जिस तरीके से ये हादसा पेश आया है फिर भी स्थिति संभाल ली गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने इन लोगों को वक्त रहते अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। हालांकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।